नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। डिंडोरी जिले में कोरोना वायरस महामारी के चलते प्रशासन के द्वारा शुक्रवार शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक टोटल लॉकडाउन घोषित किया गया था। लॉकडाउन के दौरान शराब दुकान बंद करने के निर्देश जारी किए गए थे, लेकिन शराब ठेकेदार के गुर्गे धड़ल्ले से प्रशासन की नाक के नीचे वाहनों से शराब गाँव गाँव तक बेचते हुए नजर आए। डिंडोरी जिला मुख्यालय के जबलपुर बस स्टैंड में धड़ल्ले से एक युवक शराब बेचने का काम कर रहा था। जैसे ही शराब बेचने की सूचना डिंडोरी पुलिस को लगी, तत्काल पुलिस ने एक आरोपी को दबोच लिया और दूसरा आरोपी मौके से फरार हो गया। डिंडोरी एसडीओपी रवि प्रकाश कोल ने युवक को शराब बेचते गिरफ्तार किया। वहीं डिंडोरी जिले के शाहपुरा थाना क्षेत्र के रैपुरा गांव में लॉकडाउन के दौरान धड़ल्ले से ठेकेदार के गुर्गे वाहन के माध्यम से शराब बेचने का कारोबार कर रहे थे। शाहपुरा एसडीएम अंजू अरुण कुमार विश्वकर्मा ने ठेकेदार के गुर्गे को रंगे हाथों शराब बेचते धर दबोचा। वहां से 4 पेटी अंग्रेजी शराब सहित वाहन जब्त करते हुए शराब बेचने वाले के खिलाफ शाहपुरा पुलिस थाने में आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है।